मैं जरूर इस बात को कहना चाहती हूं, 10 साल प्रचंड बहुमत दिया, काशी से सांसद भी चुना, आपने प्रधानमंत्री भेजा इस देश में, इतनी मोहब्बत, इतना प्रचंड बहुमत, लेकिन 10 साल बाद जब इस देश के प्रधानमंत्री को अपने काम गिनाने थे और काम पर नाम मांगते तो देश के प्रधानमंत्री उल जरूर बातें कर रहे हैं, क्योंकि असलियत यह है कि काम ढेले का किया नहीं है, निलबटा सन्नाटा काम पर है, आगे की रणनीति पता नहीं है। पहले चरण में मोदी जी को मीट, मुर्गा, मछली, मुस्लिम लीग याद आ गया। दूसरा चरण आते आते वो महिलाओं और ब्याहताओं के मंगल सूत्र और भैंस पर पहुंच गए। तीसरा चरण आते आते अपनी आंखों की पुतली, अपने कलेजे के टुकड़े, अपने सबसे अजीज अंबानी और अडानी के लिए कहने लगे कि बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर वो काला धन बांट रहे हैं। चौथा चरण आते आते मोदी जी ने अपने आप को स्वयंभू ईश्वर का दूत, दैवीय शक्तियों से अभिभूत घोषित कर दिया। उनका कहना है वो बायोलॉजिकल ही नहीं है। पांचवा चरण आते आते मोदी जी कहते हैं अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो वो आपके बैंक खाते बंद करके पैसे ले लेंगे, बिजली का कनेक्शन काट करके अंधेरा कर देंगे। हो सकता है अपनी अगली स्पीच में बनारस में मोदी जी कहें अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई तो मटर पनीर की आपकी सब्जी से पनीर गायब कर देंगे। हो सकता है वो कहे कि आपके बच्चों के टिफिन में से एक सैंडविच चुरा लेंगे, आपके बच्चों का बैट चुरा के भाग जाएंगे, आपके घर की बेल बजा के भाग जाएंगे। ये क्या लेवल ले आए हैं मोदी जी। और असलियत यह है कि छठा चरण आते आते इस देश के प्रधानमंत्री ने वो किया जो किसी राजनेता ने इससे पहले नहीं किया था। अपनी हारी हुई बाजी की अंतिम चाले चल रहे मोदी जी खिलौनी गंदी राजनीति पे उतर आए और मुजरा शब्द का प्रयोग इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से एक बार नहीं बार बार किया। क्या हम नहीं जानते कि मुजरा औरत विशेष के लिए होता है? क्या हम नहीं जानते कि आधी आबादी का इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं हो सकता है? किस स्तर पे मोदी जी ले आए हैं? हार जीत चुनाव में होती है। मंच से हम एक दूसरे की कटु आलोचना करते हैं, तीखे प्रहार करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, लेकिन मुजरा शब्द किसी राजनेता ने इसका प्रयोग नहीं किया और इस देश का प्रधानमंत्री मुजरा शब्द का प्रयोग कर रहा है। क्या काशी की जनता, क्या आपकी संस्कृति, क्या भारतीय संस्कृति इसकी परमिशन देती है, इसकी आजादी देती है? क्या भारतीय संस्कृति को यह कबूल है कि सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति, बाबा विश्वनाथ की नगरी का सांसद, मुजरा शब्द का प्रयोग मंच से करे? ये सवाल काशी की जनता को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह आधी आबादी का अपमान है। और मैं चाहती हूं कि आधी आबादी ऐसा सबक सिखाए नरेंद्र मोदी को कि उनको याद रहे कि आधी आबादी के बिना जिस धर्म की बात करते हैं उस सनातन धर्म में महिला को शक्ति का स्वरूप कहा गया है, यत्र नारी अस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, और वहां पर आप गुजरा शब्द का एक बार नहीं तीन तीन बार अपनी स्पीच में प्रयोग कर रहे हैं। ये दिखाता है किस हद तक मोदी जी बौखला गए, क्योंकि उनका मीडिया, उनका चरण चुंबक मीडिया, उनके तंत्र, उनकी एजेंसी, उनका धनबल भी उनको ये चुनाव नहीं जिता पा रहा है। 2024 का चुनाव हर 5 साल पे होने वाला निर्वाचन का वो कार्यक्रम नहीं है जहां पर हम लाइन से लग जाते हैं, वोट दे देते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, किसी की सरकार बन जाती है। 2024 का चुनाव ये तय करेगा कि क्या ये देश इस संविधान से चलेगा या ये देश किसी की मर्जी से चलेगा। 2024 का ये चुनाव तय करेगा कि क्या युवाओं की, बुजुर्गों की, किसानों की, श्रमिकों की, महिलाओं की बात सुनी जाएगी या चंद पूंजीपतियों के लिए नीति निर्धारण होगा। 2024 का ये चुनाव तय करेगा कि क्या ये देश का लोकतंत्र सशक्त रहेगा, परिपक्व रहेगा, जीवित रहेगा या तानाशाह की मनमर्जी के आगे दम तोड़ देगा। और इसलिए ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश के लोकतंत्र, ये चुनाव इस देश के संविधान की रक्षा, ये चुनाव आम आदमी के हक और हुकूक की लड़ाई है। और इस लड़ाई को जिस तरह से गठबंधन लड़ रहा है उसको कोटि कोटि प्रणाम है।